मेरा माँ का तबीयत फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक नहीं है, थोड़ा सा फीवर जैसा लग रहा है। तो मैं बोली आज तुम बिल्कुल छोड़ने के लिए मत जाओ, मैं ही जाती हूँ दोनों बच्चों को बस में चराने के लिए। नमस्ते मेरे YouTube फैमिली, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुप्रिया, मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ ब्यूटीफुल अपू सुप्रिया के एक नए ब्लॉग में। आज इधर बहुत ठंड है फ्रेंड्स, नासिक में सबसे ज़्यादा हवा चल रहा है, बहुत हवा चल रहा है। उसके साथ साथ बारिश तो है, लेकिन अब भी ना सुबह के टाइम बारिश हल्का हल्का है। जो भी हो, बच्चों दोनों को मैंने बस में चढ़ा दिया और अभी मैं आ गई फटाफट घर में, क्योंकि आज ना मेरा माँ का तबीयत बिल्कुल अच्छा ही नहीं है। आज नहीं, कल रात से कैसे फीवर जैसा लग रहा है। तो मैं पहले सोची पौधों में पानी वगैरह डाल देती हूँ, दो तीन दिन हो गए मैंने पौधों में पानी नहीं डाला, तो पौधों में मेरा पानी डालना हो गया। अभी मैं बिठाऊंगी गुनगुना पानी में। माँ को बोले आज किचन में बिल्कुल मत आओ, मैं जितना हो सके उतना कर लूँगी, फिर बाद में देखती हूँ, एक्स्ट्रा कुछ काम करना पड़ेगा तो मेडिसिन देने के बाद में करना, अगर तबीयत सही रहे तो। तो मैंने गुनगुना पानी पी लिया और माँ के लिए भी लेके आई मैं गुनगुना पानी। गुनगुना पानी हम दोनों का पीना पूरा हो गया, पापा अभी तक पानी नहीं पिया। तो जो भी हो, मैं किचन में आ गई चाय बिठाने के लिए। किचन का हाल देखिए फ्रेंड्स, आप सबको तो पता ही है, सुबह उठ के मुझे रोटी सब्जी सब बनाना पड़ता है, तो किचन का हाल तो ऐसा हो गया ही। लेकिन जो भी हो, मैं क्लीन करने के बाद ही अभी का खाना मैं बिठाती हूँ। तो सबसे पहले मैं सब जो आज ना बड़ी का एक सब्जी बनाएंगे और चना दाल होता है ना, तो उसके लिए मैं मिक्सी निकाल के रख रही हूँ। और पापा बोल रहे जल्दी से मुझे भी एक गिलास गुनगुना पानी दे दे, क्योंकि पापा का भी नींद टूट गया। मैं बोली ठीक है पी लो। और मैं अभी क्यों कर रही हूँ फ्रेंड्स, आज ने मैं सोची मैं ही खाना बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी का तो तबीयत खराब है, मैं आज मम्मी को किचन में घुसने नहीं दूंगी बिल्कुल भी नहीं। अरे ये चना दाल मैं कल रात को भिगो के रखी थी, रात में भिगाने का क्या फ़ायदा होता है फ्रेंड्स, जल्दी से पीवे मिक्स भी हो जाता है और ग्राइंडिंग करने के लिए ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होता। और इसके अंदर मैं डाल ली हूँ एक कच्चा मिर्ची और थोड़ा सा नमक। तो जो भी हो फटाफट कर लेती हूँ। और भी एक प्रॉब्लम क्या है, लाइट तो कभी भी आना जाना होता है, तो इसकी वजह से मैं कर लेती हूँ। और ये देखिए कितना सुंदर करके मिक्स भी हो गया। और मेरी मम्मी उधर बैठ बैठ के चीख रही है, अरे तू रख दे मैं कर लूँगी मैं कर लूँगी, लेकिन मैं मम्मी का कोई बात नहीं सुन रही हूँ। मैं बोली आप चाय पी लो, चाय पीने के बाद आपको मैं एक पैरासीटामोल दूँगी, वो खाने के बाद थोड़ा सा सो जाना, फिर तबीयत ठीक हो जाएगा। एक चीज़ आप सबने नोटिस किया फ्रेंड्स, पहले मैं अकेली चाय पीती थी डेली सुबह शाम, क्योंकि मेरा पतिदेव का चाय का हैबिट बिल्कुल नहीं है। लेकिन मम्मी पापा आने के बाद से हम तीनों इकट्ठा बैठ के चाय पीते, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का दोनों का ही हैबिट है चाय पीना, लेकिन दूध चाय पीने का हैबिट बिल्कुल किसी का नहीं है। हम तीनों मेम्बर ही ना ब्लैक टी पीते, मेरे मम्मी भी चीनी वाला चाय नहीं पीते, बिना चीनी का चाय पीते, सिर्फ पापा के लिए मैं चीनी डालती हूँ चाय के अंदर। अभी मैं ड्रेस चेंज करके आ गई और आराम से बैठ के मम्मी के साथ में चाय पी रही हूँ और गप्पे लगा रही हूँ। मम्मी मुझे बोल रही है तू कुछ मत कर, मैं सब कर लूँगी, मुझे थोड़ा सा आधा घंटे के लिए टाइम दे दे, मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँगी, फिर उसके बाद मैं करूँगी। तू तो पूरा दिन भर काम करती है भागती, वो तो मुझे पता ही है। तो अब मैं जितना दिन हूँ, तेरे पापा जितना दिन इधर है, तब तक तू थोड़ा सा रेस्ट ले ले। लेकिन कौन आज मम्मी के बाद सुनेगा फ्रेंड्स, मैं तो बिल्कुल नहीं सुनूंगी। और मम्मी भी ढाल लिया मेरे बाद नहीं सुनेंगे। तो चाय पीने के बाद एक मेडिसिन खा के आधा घंटा रेस्ट लिया, फिर आ गई किचन में। और मैं क्या किया पता है फ्रेंड्स, मैंने जो दाल मिक्स किया ना उसके अंदर ज़्यादा पानी रह गया, वही फिर से मेरी मम्मी गुस्सा कर रही है, बोली क्या रे तू एक भी काम परफेक्ट करके नहीं कर पाती है क्या, दाल के अंदर पानी है इसकी वजह से दिक्कत होगा थोड़ा सा। तो मैं बोली चलो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ब्रेकफास्ट कर लो। तो सुबह मैंने उसल बनाया था, वही उसल और रोटी मिल के, मतलब हम तीनों मिल के अभी खाने के लिए बैठेंगे। तीनों का ब्रेकफास्ट हो गया, मैं आगे कपड़ा वगैरह फोल्ड करने के लिए, इधर लगभग कपड़ा फोल्ड भी हो गया, ज़्यादा कपड़ा नहीं है। फिर मम्मी मुझे बोली तू बिल्कुल अभी किचन में मत आना, पापा भी मना कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों को ही पता है मेरा कोई भाई वगैरह है नहीं काम करने के लिए, मैं खुद ही करती हूँ दिन भर पागल जैसा भागती हूँ काम के पीछे, बच्चों को देखना पति को देखना घर को देखना सब मेरे अकेले का हाथ में करना पड़ता है।
तो वो देख के मुझे बार बार बोल रहे, तू इधर से जा, जितना कम काम हो सके उतना ही कर, बाकी का काम हम दोनों मिलके कर लेंगे। मेरे पापा भी ना फ्रेंड्स काम में बहुत हेल्प करते हैं। तो जो भी हो, इधर सामने का रूम में अच्छा करके क्लीन कर रही हूँ, ये तो करना ही पड़ता है डेली, क्योंकि ये तो गंदा होता ही है फ्रेंड्स, क्योंकि सामने के रूम में बैठ के टीवी देखना, चाय पीना, नाश्ता वगैरह, ब्रेकफास्ट, बच्चों का खेलना, पढ़ाई, सभी कुछ लगभग ये सामने का रूम पे होता है। तो सामने का रूम अगर गंदा रहेगा ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। अंदर का रूम हम लोग जितना भी क्लीन करें, अगर सामने वाला रूम अच्छा नहीं रहेगा ना, कोई बाई चांस घर में आए या ना भी आए, खुद का मन कभी भी अच्छा नहीं लगता है। और भी मैं एक चीज़ नोटिस किया फ्रेंड्स, हम अगर किसी का काम के साथ हम खुद का काम को कंपेयर करेंगे ना तो हम टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि सबका ही काम करने का स्टाइल अलग है। कोई पहले किचन से काम स्टार्ट करते हैं, कोई पहले बर्तन झाड़ू पोछा घर क्लीनिंग काम स्टार्ट करते हैं, सबका तरीका अलग अलग होता है। मैं जैसे एकदम किचन से काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा पतिदेव, दोनों बच्चे जाते स्कूल, फिर पतिदेव ऑफिस, तो मुझे सुबह उठ के इधर उधर देखने का टाइम बिल्कुल नहीं होता है। मैं सबसे पहले डायरेक्ट किचन में आ जाती हूँ, तो इसकी वजह से सबका काम का स्टाइल अलग है, इसीलिए किसी के साथ किसी का कंपेयर करने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो जो भी हो, मेरी मम्मी बड़ा फ्राई कर रही थी, उधर से मैंने 2-3 बड़ा खा लिया, गरम गरम चना डाल का बड़ा, और इधर मैं आ गई। पॉट के अंदर बिल्कुल पानी नहीं था, तो पौधों को मैंने धो दिया थोड़ा सा, और पॉट के अंदर पानी भी मैंने डाल दिया, अच्छा भी लगता है फ्रेंड्स। ये भी एक चीज़ नोटिस करना, कभी अगर पौधा वगैरह लगाएंगे घर के अंदर, अगर पॉट में पानी नहीं रहेगा ना तो पौधे में जान नहीं रहता है। अरे ये देखिए मैं कैसे गपागप गरम गरम चना डाल का बड़ा खा रही हूँ, इसके अंदर अगर प्याज होता ना तो और भी अच्छा लगता, लेकिन मेरी मम्मी को प्याज वाला डाल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो भी हो, सब कुछ मैं खाती हूँ, प्याज का भी खाती हूँ, बिना प्याज के भी खा लेती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पापा क्या कर रहे हैं, इसमें प्लास्टिक के अंदर ना बतासा है, बतासा पता है ना फ्रेंड्स, पूजा का टाइम यूज होता है, तो मेरा आज बहुत मन था बतासा से पूजा देना, लेकिन देखती हूँ अगर टाइम होगा तो दूंगी, क्योंकि कुछ कारण है जिसकी वजह से कलकत्ता से मैंने बतासा मंगवाया। तो जो भी हो, बतासा देखना मेरा हो गया, फिर से आ गई। इधर ये रूम पे थोड़ा सा कपड़ा था और इस रूम मुझे क्लीन भी करना था, तो मैं सोची सबसे पहले कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद रूम भी अच्छा करके मैं क्लीन कर लूँगी। और बेड वगैरह भी अच्छा नहीं है, वो भी मैं अच्छा करके क्लीन कर लेती हूँ, और पिलो वगैरह जगह पे जिस जगह में मैं रख देती हूँ। मम्मी पापा आए बोल के फ्रेंड्स, मेरा काम जैसे ना, काम का जो एक प्रेशर रहता है, मतलब ये टाइम के अंदर मुझे ये करना पड़ेगा, उस टाइम के अंदर मुझे वो करना पड़ेगा, ये हमेशा रहता ही है। कोई बताते हैं, कोई नहीं बताते, लेकिन मैं बता ही देती हूँ फ्रेंड्स, एक काम का प्रेशर रहता ही है। हाँ, अगर मैं सोचूंगी छुट्टी का दिन है कुछ नहीं करूँगी तो दिन अलग है, लेकिन डेली तो छुट्टी नहीं होता है ना फ्रेंड्स, ना ऑफिस का छुट्टी, ना स्कूल का छुट्टी। तो सुबह का जो टिफिन बनाने का वो जो एक टेंशन रहता है, वो तो मैं रात में प्लान करके रखती हूँ, क्या बनाना है, क्या करना है, कितना बजे उठना है, एक प्लान करके चलना ही पड़ता है फ्रेंड्स, बिना प्लान करके बिल्कुल नहीं होगा। घड़ी में 2-3 ऐलान दे के रखती हूँ, तो क्यों करती हूँ, कुछ कारण की वजह से मैं करती हूँ ना फ्रेंड्स। अगर मोबाइल बाई चांस ना बजे तो कैसे पतिदेव ऑफिस जाएगा डब्बा लेके, कैसे दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे, तो पहले से सब कुछ ना प्लान करके रखना पड़ता है। तो वो भी बात मैं आप सबको बता दिया, क्योंकि कोई कोई सोचते हैं बिना प्लान करके काम करना होता है, लेकिन बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। कोई भी काम करने से पहले अगर हम लोग प्लान करके थोड़ा सा करेंगे ना काम बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी मतलब बहुत ही जल्दी, और बिना टेंशन का होता है, क्योंकि ये होता ही है फ्रेंड्स, ये रूल ही है, होगा तो ज़रूर। और आज इतना बार लाइट का जो पावर है वो बहुत कम है फ्रेंड्स, फ्रिज चालू नहीं हो रहा है, टीवी चालू नहीं हो रहा है, ट्यूबलाइट चालू नहीं हो रहा है, सिर्फ डूम वगैरह चालू हो रहा है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है हमारे सोसाइटी का। ये देखिए मेरा फ्रिज का स्विच बिल्कुल चालू नहीं है, तो मैंने सुबह एक फ्रेंड को कॉल किया, तो मुझे बताया अरे लो वोल्टेज चल रहा है सुबह से ही, तो जो भी हो फ्रिज वगैरह बिल्कुल अभी बंद ही रख, लाइट मिस्त्री आएगा तो ठीक हो जाएगा। तो मैं फ्रीज वगैरह सब बंद करके रखा, क्योंकि पानी का फिल्टर भी बंद करके रखा, सबको पता ही है थोड़ा दिन पहले पानी का फिल्टर खराब हो गया था, तो उसके लिए मुझे कितना टेंशन हो गया था पानी के लिए। तो जो भी हो फ्रेंड्स, मेरे मम्मी जो खाना बना रही है उसके अलावा और एक डिश भी बनाएंगे मेरे लिए पकौड़ा, वो है नारियल का पकौड़ा, झालझाल टाइप का होगा, बहुत ही यम्मी सा लगता है फ्रेंड्स। तो मम्मी बोल रही है तू रख दे मैं कर दूंगी, लेकिन मैं ही बैठ गई नारियल को कद्दूकस करने के लिए।
सही में बोल रही हूँ फ्रेंड्स, मेरा मम्मी का हाथ का खाना बहुत ही यम्मी है। और भी एक बता देती हूँ फ्रेंड्स, राज की बात, मेरे मम्मी का ना फेसबुक में अकाउंट है और वो मोनिटाइज भी हो गया, उधर से मेरे मम्मी को पेमेंट भी मिलता है। एक खुशी की बात है बोल के मैं अब सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और मम्मी का खाना बनाने का ही चैनल है, इसकी वजह से ना मेरे मम्मी खाना बनाने में पूरा परफेक्शन है। मतलब जो चीज़ चाहिए तो चाहिए, कुछ भी मैं जैसे एडजस्ट कर लेती हूँ, ये नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरे एक चीज़ से मैं काम चला लूँगी। लेकिन मेरी मम्मी वैसे बिल्कुल भी नहीं, जिसमें जो चाहिए वो चाहिए, नहीं तो वो खाना नहीं बनाएगा वो वाला खाना। तो जो भी हो, जिसको जैसा हैबिट है खाना अच्छा बनाता है बोल के फ्रेंड्स, फेसबुक में इतना सारा फॉलोअर है, पेमेंट मिलना भी स्टार्ट हो गया। तो जो भी हो, एक खुशी की बात मैं आप सबके साथ मैंने शेयर कर दिया। इसकी वजह से ना किचन में मेरा अलाउ नहीं होता है, एंट्री बिल्कुल नहीं होता। मुझे कहते तू कहाँ से क्या क्या करके खाना बनाती है, ज़रूरत नहीं है, मैं जितना दिन हूँ मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। इतना साल तो जन्म से ही तो मेरे हाथ से खाना खाया था शादी से पहले, तो आप भी वही खाना खा ले। मैं बोली चलो अच्छी बात है, मैं सोची थी इधर महाराष्ट्र का डिश खिलाऊंगी, बोले ज़रूरत नहीं है, अगर चाहेगा मन करेगा तो बताऊंगी, नहीं तो तू मेरा हाथ का खाना खा। तो मैं आ गई अभी आयरन करने के लिए, क्योंकि पतिदेव का ऑफिस का ड्रेस बिल्कुल आयरन नहीं किया था फ्रेंड्स, कल सुबह क्या पहन के जाएंगे। तो मैं सोची अभी टाइम जब है, एक टी शर्ट और एक ड्रेस में फटाफट आयरन कर लेती हूँ, समय जब हाथ पे है तो क्यों ये समय को मैं यूज़ ना करूँ, क्योंकि हर टाइम समय नहीं मिलता है फ्रेंड्स आयरन करने के लिए, तो पतिदेव को खुद को आयरन करना पड़ता है। तो अभी जब समय है मेरे पास तो मैं अच्छा करके ये दो ड्रेस को ना आयरन करके मैं रख देती हूँ। सब बोतल भरा है बाबा, ওটা ভরে না ওই আবার কাল কি ওই বাচ্চা খাবো, যে কদিন থাকবো ওই বাসি বসে কি যাবো পাল্পা। আচ্ছা বাবা, মা কালকে বলেছিল কি বলিনি, তোর বাবা সকালে ভাত খাবে দুটো চাল বেশি, তার আগে তুমি তো খাই দাও ডিম বাজার ভাত খাও। अभी मैं आ गई मेरी मम्मी का बाल काटने के लिए, क्योंकि मेरे मम्मी का ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। मेरे मम्मी का बहुत ज़्यादा बाल था फ्रेंड्स, लेकिन अभी एक डेढ़ महीना से इतना ज़्यादा झड़ रहे हैं ना, तो बाल का हालत ये हो गया। तो मैं ये बोली आ जाओ आपका बाल मैं सुंदर करके काट देती हूँ, बोले ठीक है थोड़ा सा ही काटना, ज़्यादा मत काटना। मेरा और मेरे पापा का नहाना हो गया, मैंने पूजा भी दे दिया, अभी मम्मी बाल काटने के बाद जाएंगे नहाने के लिए। मैं बोली फटाफट नहा के आ जाओ, क्योंकि आज तो बहुत कुछ बनाया खाने में। ये है बड़ी की चना दाल का बड़ी की एक सूखा सब्जी, नारियल का पकोड़ा, खीरा, चावल, सोयाबीन की सब्जी, बहुत कुछ है फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ है मैं सुबह बनाई थी उसल, वो भी है। अभी हम तीनों मिलके मेंबर बैठ जाएंगे दोपहर का खाना खाने के लिए, क्योंकि बच्चे आने का अभी बहुत टाइम है। अब तीनों मिलके ना कभी चाय भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं ना, हम तीनों मेंबर बहुत ज़्यादा गप्पे लगाते हैं। तो आशा रखती हूँ फ्रेंड्स आज का ब्लॉग ज़रूर आप सबको अच्छा लगेगा। मेरे ब्लॉग मेरे चैनल अच्छे लगते प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर देना, थोड़ा सा अच्छे लगे तो कॉमेंट में लिखना, ज़्यादा अच्छे लगे तो एक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और नया जितना फ्रेंड हो आप लोग तो एक लाइक कर ही सकते, और बहुत ज़्यादा अच्छे लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते। तो यही बोल के आज के ब्लॉग में इधर ही एंडिंग कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड नमस्ते फ्रेंड, नमस्ते।